दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ब्रायन लारा स्टेडियम तिरनाड के पिच रिपोर्ट के बारे में। आपको पता है कि सीपीएल के जो है यहाँ पे 4 मैचेज होने वाले हैं, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैचेज हो सकते हैं, प्रीवियस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मैचेज हुए हैं, तो उन सबका डिटेल जो आपको वीडियो का लास्ट तक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो जो है आप यहाँ पे लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े और आप चाहते हो सीपीएल में बाकी जो मैसेजर उनमें प्रोफाइल उठाने के लिए, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो और यहाँ पे जो आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाता है, जहाँ से जो आप एक बढ़िया से प्रॉफिट बनाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर मैं बात करता हूँ ब्रेन लारा स्टेडियम की, तो ये जो है 2007 में ओपन किया गया था। कैपेसिटी इसकी देखो 15,000 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा कैपेसिटी है आइलैंड के हिसाब से। और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अभी तक जो मैसेज हुए हैं वो मैसेज अगर दो हिस्सों में जो है मैसेज हुए हैं, एक तो जो है वो इंटरनेशनल मैसेज होते हैं और दूसरा जो है वो डोमेस्टिक मैसेज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है डोमेस्टिक मैचों के हिसाब से सबसे पहले इसके जो है वो एनालिसिस करते हैं। डोमेस्टिक मैसेज यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर डोमेस्टिक मैचों की मैं बात करता हूँ, तो डोमेस्टिक मैचेस सीपीएल के जो है मैचेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास जो है हुए हैं, जिनमें से आप एवरेज स्कोर देखोगे तो 140 के आसपास एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अब एवरेज स्कोर जहाँ 140 के आसपास है और 30 मैचों में, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली जो है वो नहीं रहता है। हाईएस्ट रन भी जो है यहाँ पे है वो आप देखोगे कि 185 के आसपास जो है वो टिकर ने यहाँ पे बनाया था। उसके अलावा भी आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि जो यहाँ पे बैटिंग के हिसाब से रहता है वहाँ पे पीछे जो है वो शुरुआत में एक तो स्विमिंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस ग्राउंड पे, यानी कि शुरुआत में ही जो है टीमें जो है वो ऑलमोस्ट 1-2 विकेट जो है वो अपनी खो देती है। और यही रीज़न होता है कि यहाँ पे देखोगे कि आपको जो है वो एक बड़ा सा स्कोर नहीं बन पाता है। जब भी कोई भी टीम जो है वो शुरुआत में 1-2 विकेट जब खो देगा, तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको टीमें मिलते हुए नज़र नहीं आएगा। तो उस तरीके का सीनरियो जो है आपको यहाँ पर भी जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, तो आपको देखने में मिलेगा कि ये जिस तरह का कंडीशन है वो स्विमिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवर करता है, और साथ में ओशियनिक कंडीशन तो है ही, फास्ट बॉलर को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है ये नेस लेके आता है, और फास्ट बॉलर में जो भी वेरिएशन करते हैं उन पर जो इफेक्ट रहता है इस कारण बहुत ही अच्छा रहता है। खासकर जो इन स्विंग बॉलर हैं, याद रखना आप, इन स्विंग बॉलर्स में जो है उनको काफ़ी इफेक्टिव करता है इस ग्राउंड पर, और बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो कि इन स्विंग बॉलर है वो यहाँ पे अच्छा से अच्छा विकेट जो है वो आपको ले सकता है। यहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैट्समैन के हिसाब से, तो बैट्समैन के हिसाब से आप देखोगे तो आपको सबसे पहले कि शुरुआत का जो ओवर होता है वो बैट्समैन के लिए बहुत खतरनाक होता है। पावर प्ले मान लो कि बहुत ही खतरनाक होता है बैट्समैन के लिए, पावर प्ले तक जो है कोई भी बैट्समैन रुक जाता है तो उसके बाद एक बड़ा रन का जो है उम्मीद कर सकते हो इस ग्राउंड पे, क्योंकि उसके बाद से जो बैटिंग होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाला सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे आपको कभी भी टीम सेलेक्ट भी करना है तो कोशिश करो आप जो भी फर्स्ट डाउन सेकेंड डाउन आता हो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, आप उसको जो है पिक करके यहाँ पे चल सकते हो। बॉलर के हिसाब से बात करते हैं, जो कि स्विंग बॉलर्स हैं, इन स्विंग कराते हैं या फिर आउट स्विंग कराते हैं, उनको जो है आप पिक करके चल सकते हो, क्योंकि उनके लिए जो है यहाँ पे अगर आउट स्विंग होता है तो एज लगने के किनारे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इन स्विंग होता है तो क्लीन बोल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस जो है यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि T20 जो हमने डोमेस्टिक में से बात करें, डोमेस्टिक में से अगर 160 के आसपास रन बनता है तो आप इस ग्राउंड पर मान के चल सकते हो कि एक तरह का जो है पार सा स्कोर है, अगर 160 से कम बनता है, 150-140 के आसपास बनता है, तो आप लेके चल सकते हो इस ग्राउंड पर जो है चेसेबल स्कोर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम T20 इंटरनेशनल मैच की बात करें, तो एक ही मैच जो है रिसेंट में हुआ था जिनमें 190 रन जो है बना था, और 190 रन जो है वो इंडिया बनाया था, तो चेस जो है वो नहीं कर पाया था वेस्ट इंडीज़, और वहाँ पे जो है फर्स्ट बैट जो है वो इंडिया जीत गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस ग्राउंड पे, कि देखो इस ग्राउंड पे जो है अगर आपको देखना है कि चेस होगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो है आपको सबसे पहले जो है वो सीपीएल में इस बात का ध्यान देना है कि मैच जो है किस टाइमिंग पर हो रहा है, जो सुबह के टाइमिंग पर होगा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर सुबह का जो मैचेज होगा वहाँ पे स्विमिंग कंडीशन और ज़्यादा मिलेगा तो उसमें कम रन बन सकते हैं, जो शाम का मैचेज होगा उसमें जो है थोड़े से ज़्यादा रन बन सकते हैं। अभी से सिंपल सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इंडिया में शाम का मैचेज होता है वो उनके लिए सुबह का मैचेज होता है, और जो हमारे लिए उनका हमारे लिए सुबह का मैचेज होता है उनके लिए शाम का मैचेज होता है। तो इस तरीके से जो है आप कंडीशन का जो है वहाँ का हालिया ले सकते हो। इसके अलावा स्पिनर की बात करें, तो स्पिनर जो है जैसे जैसे ओवर जो है बीतते जाता है तो स्पिनर को भी जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलते जाता है, क्योंकि पीछे जो है थोड़े से जो स्पॉन्जी कंडीशन होता है वैसा जो है कन्वर्ट होता जाता है, और जब भी पीछे स्पॉन्जी कंडीशन होता है तो क्या होता है, जब बॉल पड़ती है तो गिरने के बाद जो है बाउंस ज़्यादा नहीं मिलता है। अब जब ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता तो उसका स्पिनर भी जो है वो इफेक्टिव होता जाता है, लेकिन ये जो है या तो लास्ट के सीनरी में होता है या फिर मिडिल ओवर में, जैसे 10 ओवर बीत जाता है उसके बाद से जो है ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो उस तरह का जो है सीनरियों के हिसाब से आप अपना टीम अपना जो है वो चीज़ें प्लानिंग करके चल सकते हो इस ग्राउंड पर।
इसके अलावा बात करते हैं तो देखोगे कि तो जो इंटरनेशनल मैचेस हुआ उसमें सिर्फ एक ही मैचेस रिसेंट में अभी हुआ है जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के साथ था। इंडिया जो है 191 बनाया था और उसे जीत भी गया था। इसके अलावा बात करें डोमेस्टिक मैचों में तो 30 हुए हैं, 3 में से 13 मैचेस जो है फर्स्ट बैट जीता है, 17 जो है सेकंड बैट जीता है, यानी सेकंड बैट जो है थोड़ा बहुत डोमिनेट जरूर करता है। और फर्स्ट बैट एवरेज जो है वो काफ़ी कम है, आप देखोगे 141 रन है और हाईएस्ट रन जो है आपको 195 है और लोएस्ट देखोगे तो 55 है। तो इस तरह का जो है सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए किस तरह का स्कोर जो है बनता है। तब देखो 150 से नीचे 16 स्कोर है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर स्कोर जो है वो इसी एरिया के बीच में रहता है। उसके अलावा 150 से 70 के बीच में देखोगे तो 8 स्कोर है और 170 से ऊपर देखोगे तो 6 स्कोर है और 190 जो है अभी तक तो कोई स्कोर नहीं है पिछले 30 मैचों में। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि इस ग्राउंड पे जो है 190 रन बनाना कितना मुश्किल है। और अगर 190 रन इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के हिसाब से कोई बना लेता है तो वो साइकोलॉजिकली ही जो है वो ऐसे ही टीमें जो है वो जीत जाएगी। तो इसके अलावा जो है अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े और चाहते हो एक बढ़िया सा प्रॉफिट जो है आप विनर सेशन एंट्री में उठा सको तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आपको यहाँ पे ऐड हो जाना है। साथ में आप कॉल पर मुझे सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपनी जो प्रॉफिट बनाने की जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से जो आपको इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।